अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुस्कान और आप देख रहे हैं लाइव विद मुस्कान यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपनी किचन में बनाऊंगी शवारमा की डो। शवारमा की रोटी बनाना बहुत ही इजी है, आप इसे अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए आप मैं किस तरह बना रही हूँ, और अगर आपको किसी भी तरह की मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आपकी डो अच्छी नहीं बनती या वो सॉफ्ट नहीं है, तो आप इस रेसिपी को जरूर देखें देखें आपकी डो बहुत ही अच्छी और मजे की रोटी बनेगी। डो तैयार करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, 3 कप मैंने मैदा लिया है। अगर आप कम बना रहे हैं क्वांटिटी में तो आप कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं ज्यादा बना रही हूँ। तो अब मैंने 3 कप मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल 1 टीस्पून मैंने ईस्ट लिया, और 1 टेबल स्पून नमक, और नीम गरम दूध हसबे जरूरत है। वो फिर देखेंगे कि हमें कितना चाहिए, 1 कप चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। सबसे पहले हम मैदा लेंगे, सबसे पहले इसमें चीनी, नमक और ईस्ट। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर ली ये सारी चीजों को। अब हम इसमें दूध डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा कर, अभी इतना ही हम डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, ऑयल में भूलूंगी तो बताना, तो इसलिए लास्ट में ऑयल हम इसमें डाल देंगे सारा। और अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से मल लेंगे, क्योंकि जब तक हमारा चिपकना बंद हो जाएगा तो तब हम इसे छोड़ेंगे। तो 10 मिनट लग जाएंगे, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। डो हमारी अच्छे से तैयार होगी। अब मैंने इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा दिया, ज़्यादा हमारा आयली आयली होगी तो हमारी बहुत ही अच्छी रोटी बनेगी शवारमे की। तो अब मैं इसे कवर कर दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए हमने इसे कवर कर के रख दिया था। अगर गर्मी है तो आपने इसे फ्रिज में रखना था, मैंने भी इसे फ्रिज में रख दिया। तो अब ये देखिए कितनी हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट डो तैयार होगी ना, ये देख सकते हैं। अब हम इसके पेड़े काट लेंगे। हमने एक छोटी सी रोटी बेल ली, और अब तवा भी हमारा पैन भी हमारा गर्म हो गया, तो अब हम इस पर डाल देंगे। जैसे ही बबल्स आना शुरू हो जाएंगे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए बबल्स आना स्टार्ट हो गए, अब पकड़ेंगे, साइड चेंज करेंगे। अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे। और साइड चेंज कर देंगे। देखिए हमारी तैयार है, अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरे भी तैयार करेंगे। अब शवारमे में चिकन डालने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1/2 kg चिकन लिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल 1/2 टेबल स्पून नमक, और 1 टेबल स्पून हम सोया सॉस सिरका लेंगे, और 1 टेबल स्पून सोया सॉस लेंगे। बहुत ही कम चीज़ों में हमने चिकन तैयार करना और बहुत ही मज़े का बनेगा। इंशाल्लाह आप इसी तरह ट्राई करना तो आपका भी बहुत ही मज़े का बनेंगे। सबसे पहले हम पैन लेंगे, इसमें चिकन डाल देंगे, बोनलेस चिकन है, इसमें भी हल्दी का बिल्कुल भी इस्तेमाल, नमक डाल देंगे, साथ ही लाल मिर्च, सिरका और सॉस, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 4 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने डाल लिया, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
गया, अब हम इसमें ये मिक्स किया हुआ गोश्त डाल देंगे। और इसे हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे कवर पर। तैयार करने के लिए हमने एक रोटी ली, उसके ऊपर मायनीज लगाई। मायनीज लगा के इस तरह पूरे मसल लेंगे। इसके ऊपर अब हम गोश्त लगाएंगे इस तरह, ऊपर बंद कर दी। अगर आपको सब्ज़ मिर्च पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं खा रहे तो इसलिए हम नहीं खा रहे। अब हम इसे कवर करेंगे इस तरह, एक रैप लेंगे शवारमा में और इस तरह काट के इस तरह। इसी तरह हम दूसरे भी तैयार करेंगे, इसे साइड पर रख देंगे।